इंदौर के माय होम केस में आरोपी और जीतू सोनी के करीबी नरेंद्र रघुवंशी ने मंगलवार को सुसाइड कर लिया। रघुवंशी सुदामा नगर स्थित अपने घर पर फंदे से लटका मिला। उसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है जिसमें पुलिस प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई के कारण जान देने की बात लिखी है। साथ ही मौत के बाद अंगदान करने को भी कहा है। रघुवंशी पिछले दिनों वृद्ध पिता के स्वास्थ्य को लेकर पैरोल पर सेंट्रल जेल से बाहर आया था। आज पैरोल खत्म हो रही थी। पुलिस के अनुसार पलासिया थाना में मानव तस्करी और देह व्यापार का केस दर्ज होने के बाद नरेंद्र को जीतू सोनी के बेटे अमित के साथ गिरफ्तार किया गया था। नरेंद्र के पास से पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है। इंदौर से राकेश सच्चर और अभिजीत सिंह के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। नरेंद्र पिता रामदयाल रघुवंशी उम्र 58 साल निवासी 200 सेक्टर सुदामा नगर इंदौर। थाने पर सूचना मिली थी जिसमें मर्ग कायम किया गया है और अब पीएम के लिए हम लोग लेके आए। मृतक कौन है, क्या करता था, कोई सुसाइड नोट मिला है? इन सब की जानकारी अभी नहीं दे पाएंगे आपको। आपका नाम बताओ। उपनिरीक्षक नीलमणि। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।